नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश लाइव और मैं हूं आपके साथ अनु। नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख समाचारों। शिवराज सिंह चौहान की पार्टी से नाराजगी की खबरों के बीच उन्हें दिल्ली बुलाया जा रहा है। शाम 7:30 बजे जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। मध्य प्रदेश में इस सप्ताह बारिश के आसार। माउंट आबू में पारा पहुंचा -1 डिग्री। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन में धुंध और कोहरा रहा। दौर में लोन नहीं चुकाने पर 3 साल की मासूम का किया गया अपहरण। पुलिस ने बच्ची को किया आजाद। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में रात्रि विश्राम कर तोड़ा पृथक। दरअसल ऐसी मान्यता है कि उज्जैन के राजा सिर्फ बाबा महाकाल हैं, इसलिए प्रदेश का मुखिया रात्रि विश्राम नहीं करता उज्जैन में, नहीं तो उसकी सत्ता चली जाएगी। पर डॉक्टर मोहन यादव ने रात्रि विश्राम किया और स्वयं को बाबा महाकाल का सेवक बताया। आज से मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का सत्र हुआ शुरू। प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव ने किया निरीक्षण। एबीवीपी के छात्र नेताओं को हाईकोर्ट से दी गई जमानत। जज की चाबी छीन, पीसी को ले गए थे अस्पताल। परासिया कांग्रेस विधायक के बेटे को किया गया गिरफ्तार। पत्नी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का है आरोप। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं को किया जा रहा है खारिज। नई सरकार ने 38 विभाग के खर्चों पर लगाया प्रतिबंध। अंडर 23 महिला क्रिकेट टूर्नामेंट में सौम्या तिवारी की कप्तानी में एमपी ने बंगाल को हराया। मध्य प्रदेश की है ये चौथी जीत। आज की खबरों में इतना ही। मध्य प्रदेश की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए स्वदेश लाइव के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।